आज हम बनाने वाले हैं रुई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले, जो हर त्योहार में जरूर बनाया जाता है, और साथ ही बनाएंगे इसके संग खट्टी मीठी चटनी और तीखी वाली हरी चटनी भी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप उड़द की दाल, जिसे लगभग मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप इसे रात में भी भिगो कर रख सकते हैं। दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसे हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। पीसते समय हम इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, जरूरत अनुसार 1 से 2 चम्मच ही डालेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, ये इतना थिक होना चाहिए। अब इसको हम एक ही दिशा में फेटेंगे जब तक कि ये बैटर जो है हल्का ना हो जाए। इसके अंदर एयर कंटेंट जाना चाहिए, तभी ये बहुत ही फ्लफी बनेगा। जितना हम इसको फेटेंगे हमारे दही बड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर जो है लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से फेटा जा चुका है, ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे पानी में हम डालकर देखेंगे। अगर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर ये पानी में नीचे बैठ जाता है बर्तन में तो इसे और फेटने की जरूरत है। अब इस मिक्सचर के अंदर हम थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च काटकर डाल देंगे, साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा ये फ्राई करने के लिए बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे और इसके अंदर एक एक करके हम दही बड़े को तल लेंगे। आप अपने हिसाब से साइज को थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं या छोटा भी रख सकते हैं। मैंने इसे मीडियम साइज में ही फ्राई किया है। एक बार में हम दही बड़े ज्यादा नहीं तलेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। जब ये थोड़े से तेल में फ्राई होने के बाद ऊपर अपने आप ही फ्लोट होने लगे, तब हम इसे कड़छी से हिलाएंगे और इसे हम गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे, नहीं तो ऊपर से तो ये डार्क हो जाएंगे कलर में और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए हमें इसे मीडियम टेम्परेचर पर ही इसे कुक करना है। जब अच्छे से कुक हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे ऑयल में से, और इसी तरीके से हम बाकी दही बड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। दही बड़े बने हैं ना देखने में बहुत ही खूबसूरत। दही बड़े देखने में इतने खूबसूरत हैं तो खाने में तो उतने ही स्वादिष्ट भी होंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर नेट कितना बना है। देखिए कितना अच्छा इसके अंदर नेट बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अंदर से स्पॉन्जी है। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल रुई जैसे। अब हम इसे पानी में डाल देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक। पानी मेरा ये थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और फिर उंगली से चेक करके देखेंगे। जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो इसके अंदर हम दही बड़ों को डालकर 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। अब हम दही भल्ले की चाट बनाने के लिए इसके लिए दही और बाकी चटनियां तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कटोरी में लिया है 150 ml दही। अभी मुझे जितना जरूरत है मैंने उतने ही दही को लिया है। साथ ही डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच चीनी और 2 चुटकी नमक। इसको हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये दही बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 पैन और उसके अंदर डालेंगे लगभग 150 ml पानी और साथ ही 100 ग्राम इमली, 100 ग्राम चीनी। चीनी की जगह पर आप गुड़ भी डाल सकते हैं। पानी में जब उबाल आ जाए तब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। जब ये पकते हुए थोड़ा सा पानी इसका रिड्यूस हो जाए तब इसके अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने इच्छा अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और साथ ही डालेंगे 2-3 पिंच काली मिर्च और 1/2 टीस्पून काला नमक। इसे हम अच्छे से पका लेंगे, फिर इसे हम छानकर 1 कटोरी में रख लेंगे। अब हम हरी धनिया की चटनी तैयार कर लेते हैं, तीखी वाली। इसके लिए लेंगे 1 जार, उसमें डालेंगे हम धनिया, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। मैंने लगभग 1.5 टेबल स्पून आमचूर पाउडर लिया है और उसके अंदर डाला है अपने स्वाद अनुसार नमक। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे।
हमारी खट्टी मीठी चटनी और साथ ही तीखी वाली चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। सभी इंग्रेडिएंट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम पानी में से दही बड़े को स्क्वीज करेंगे और इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। स्क्वीज करते हुए हमें दही बड़े को ज्यादा तेज की नहीं दबाना है, नहीं तो वो टूट सकते हैं। अब हम उसे ऊपर से दही और बाकी चटनियां डालकर सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज पर जाकर पिक्कल चिक्कल बाय अक्षरा रति को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।